हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। चलिए आइए समझते हैं द डिफरेंस। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात बताती है, दैट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर मैं बोलता हूं साइक्लिस्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, और एक पुलिस कार इज मूविंग और रनिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में 15 मीटर कवर कर रही है। सो विच वन इज मूविंग फास्टर? ऑब्वियसली कार इज मूविंग फास्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी हमें बताती है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लेकिन वेलोसिटी हमें एक चीज एक्स्ट्रा बताती है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन क्या है। अगर हम बोलते हैं पुलिस कार इज रनिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, अब हमें यह नहीं पता वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता है, तो हम बोलेंगे कि हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं पुलिस कार इज मूविंग विद और रनिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, अब इसमें डायरेक्शन भी अटैच हो गई, मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी बताती है, इसी वजह से वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में समझा था। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, बी पर जाती है और फिर फाइनली सी पर पहुंचती है। इस केस में जो एक्चुअल पाथ इसने फॉलो किया दैट इज ए बी सी, ये एक्चुअल पाथ उसका डिस्टेंस बन गया जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट खींचा एसी, एसी हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया क्योंकि यही एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने का। अब समझते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ए से बी तक, बी से फिर सी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा वो हमारी एवरेज स्पीड बताएगा। तो जो पाथ हो गया पाथ ए बी सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड, और पाथ ए सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है ए बी सी डी ए, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करती है बी पर जाती है, बी से फिर सी पर फाइनली पहुंचती है। अब इस केस में हमें पता लगाना है एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, और इसको ए से बी तक, बी से सी तक पहुंचने में टोटल 2 सेकंड लगते हैं। एवरेज स्पीड अभी हमने देखा इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 2 सेकंड्स। सो 7 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमारी एवरेज स्पीड हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले हमें पाथ ए सी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मैंने जोड़ा, लाइन सेगमेंट ए सी बना, इसकी लेंथ निकालना जरूरी है। अब ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें पता है हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो मेरा ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ए सी स्क्वायर इज 25, ए सी हो गया मेरा 25 का अंडर रूट यानी कि 5 मीटर्स। तो अब मुझे अपनी डिस्प्लेसमेंट मिल गई 5 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन दैट इज 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। तो इस केस में मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एक एग्जांपल और समझते हैं। अब ये एक स्ट्रेट पाथ है जो कि ए से स्टार्ट होता है बी पे खत्म होता है। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज ए टू बी और इसका जो लेंथ है 10 मीटर्स है।
और इसको कवर करने में उसको 5 सेकेंड लगते हैं। एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो ये हमारा सिंपल आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो लाइन सेगमेंट ए बी है और इसकी लेंथ 10 मीटर्स है। तो 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जांपल को देख के हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एक एग्जांपल और समझते हैं। अभी आपके सामने एक सर्कुलर पाथ है ए बी सी डी ए। ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होती है, बी पर जाती है, सी पर पहुंचती है, डी पर, फिर फाइनली ए पे पहुंच जाती है। और हाँ, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 मीटर्स और इसको ए से स्टार्ट होकर ए पर पहुंचने में 11 सेकंड लगते हैं। अब हमें पता लगाना है एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज स्पीड डिस्टेंस कवर्ड, अब इसने ए बी सी डी ए यानी कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2πr, 2 × 22/7 × 7 हमारा आ गया 44 मीटर्स। तो हमारा टोटल डिस्टेंस इज 44 मीटर्स डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स, जो कि हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। हमारी एवरेज स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, ए से स्टार्ट हो रहे हैं हम और ए पे ही फाइनली पहुंचे। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इज द सेम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो। तो इस केस में हालांकि एवरेज स्पीड की तो कुछ वैल्यू है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इस केस में जीरो है। ओके, समरी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमें बताती हैं हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लेकिन वेलोसिटी साथ में ये भी बताती है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के ऐसा यूनिट्स मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड बराबर भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के और उससे ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, आइए, आपके सामने एक क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएंगे। वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी, एवरेज स्पीड कैन बी डैश देन एवरेज वेलोसिटी, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज डैश एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The answers are, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Till then, goodbye, have a nice day, thank you.